So hello everyone and once again welcome to my channel Madam Axe. तो आज मैं फिर से आप सभी के सामने आ चुकी हूँ फैशन जीके की क्लास नंबर 8 लेकर. तो जिन लोगों ने अभी तक 1, 2, 3, 4 and 7 तक के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल पर जाकर सारे ही वीडियोस देख लें इस सीरीज के, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं. और YouTube पर आपको ऐसा कंटेंट फैशन से रिलेटेड कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड जब भी मैं लाइव क्विज करूं या कोई भी क्लासेस लूं लाइव तो आपको सारे ही नोटिफिकेशंस जो हैं पहले से पहले मिल सकते हैं. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं एंड आई होप कि जो भी सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो लाइव ज़रूर आए होंगे. तो वेलकम एवरीवन जो लोग लाइव आए हैं. तो आज भी हम जो है सीखने वाले हैं 13 ब्रांड एम्बेसडर्स की लिस्ट. जो भी 13 ब्रांड एम्बेसडर्स हैं फेमस 2020 के, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि वो कौन से ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या उसमें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं. तो ब्रांड एम्बेसडर का मतलब आई होप कि सभी लोगों को पता होगा कि कोई भी इंसान जब किसी ब्रांड को सपोर्ट करता है, एडवर्टाइज करता है, तो उसे हम कहते हैं ब्रांड एम्बेसडर. ओके, तो आज हम इन्हीं इसी के बारे में जानने वाले हैं एंड देन इन द एंड आपके साथ होगा लाइव क्विज जिसके आंसर आप लाइव चैट में देंगे, और जो लोग सही आंसर बताएंगे उनको मैं लाइव चैट में खुद बताऊंगी कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं हैं. तो जो लोग लाइव आए हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी, प्लस आप जान सकते हैं कि आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स को कितनी चीज़ें आ रही हैं. क्योंकि जब हमें किसी टॉपिक का टेस्ट देना होता है तो हम उस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ते हैं. तो यही एडवांटेज है इन क्लासेस में लाइव आने का कि जब आप लाइव आएंगे तो आप और ज़्यादा ध्यान देकर पढ़ेंगे क्योंकि तुरंत ही आपको क्विज में आंसर करना होता है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और जो लोग लाइव नहीं आए हैं वो मुझे कमेंट करके आंसर्स बताएंगे, लेकिन सभी को आंसर्स बताने हैं चाहे आप बाद में देखें या अभी देखें. इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट स्लाइड पर, और फर्स्ट हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सानन. तो कृति सानन जो हैं वो इन सब ब्रांड्स की एम्बेसडर्स हैं. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स द फर्स्ट वन इज स्किन केयर ब्रांड जॉय, देन शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मैजिक ब्रिक्स, देन वर्लपूल, डाबर्स स्किन केयर ब्रांड फेम. तो फेम जो है डाबर का स्किन केयर ब्रांड है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कृति सानन है. तो ये जितने भी ब्रांड्स आपकी स्क्रीन पर हैं इन सब की ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सानन. तो आप लोग अपनी कॉपीज में इसको लिखते जाएं या फिर स्क्रीनशॉट ले लें स्लाइड का, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. एंड अगर आप रोज़ ही डेली अपडेट्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देती रहती हूँ. प्लस आप फेसबुक पेज को भी मेरे लाइक कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो नेक्स्ट हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं कार्तिक आर्यन. तो कार्तिक आर्यन जिन ब्रांड्स को स्पॉट करते हैं या एंडोर्स करते हैं वो हैं लक्स इन्फर्नो, देन अरमानी एक्सचेंज वॉचेस, देन वी हैव कैडबरी, देन वी हैव मान्यवर, ओपो, पार्क अवेन्यू फ्रेग्रेंसेस, मुफ्ती, देन आईटीसी एंगेज. दिस इज़ नॉट आईटी, दिस इज़ आईटीसी एंगेज. तो आईटीसी का जो एंगेज ब्रांड है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, देन बॉम्बे शेविंग कंपनी. ओके, तो इन सब ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे कार्तिक आर्यन. सो यू कैन अगेन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड. तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं इनके, तो इन सब को ध्यान रखिएगा ज़रूर से. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो नेक्स्ट हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह. सो रणवीर सिंह इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्लाइट,
then Lloyd, then Xiaomi India, then Kajaria Ply, then Dish TV, then CRMs, which is a clothing brand, then Make My Trip, Set Wet, Carrera, Jack and Jones, Nexa and Ching's. तो इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे रणवीर सिंह. एंड आप लोग जब भी न्यूज़पेपर पढ़िए या फिर कोई भी टीवी में आप कुछ भी देख रहे हैं, तो जब टीवी कमर्शियल्स आते हैं, एड्स आते हैं, तो उसमें कोई भी अगर आपको सिने स्टार या फिल्म स्टार दिखता है किसी ब्रांड का को एंडोर्स करते हुए, तो उसको आप समझ जाइएगा कि वो उस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है. एंड कहीं पर नोट ज़रूर करते रहिएगा कि इस ब्रांड का कौन ब्रांड एम्बेसडर है. तो ऑब्जर्वेशन करना सीखिए सभी लोग, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्लोली स्लोली आप जो है ऑब्जर्व करके काफ़ी नई नई चीज़ें सीख जाएंगे. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. तो नेक्स्ट हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा. अनुष्का शर्मा इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोलगेट, कॉक्स एंड किंग्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, स्किल इंडिया कैंपेन एंड रूपा एंड कंपनी. तो इन सभी ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं अनुष्का शर्मा. एंड स्किल इंडिया कैंपेन में अभी वरुण धवन इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर, तो वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज सारा अली खान. तो सारा अली खान इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वीवो एस सीरीज, देन JBL, then we have Fiamma Devils and Wheat Cold Wax Strips. तो इन सभी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारा अली खान. प्लीज कीप दिस इन माइंड. नाउ कमिंग टू विराट कोहली. तो विराट कोहली भी कई सारे ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं, एंड इन ब्रांड्स के नाम हैं ब्लू स्टार, वेलमैन, देन वी हैव हिमालय, गूगल डुओ, मोबाइल प्रीमियर लीग, श्याम स्टील्स, then Volani, then Move, it is MUVE, यहाँ पे Move है, तो Move Acoustics, then we have 2YUM, then Audi India, Uber India, Vix India and MRF Tires, Remit to India, Valvoline and Luminous Power brand का जो Amaze brand है उसके भी एम्बेसडर हैं विराट कोहली. ओके, तो जो मैंने करेक्शंस बताए, मूव MUCE की जगह MUVE है, तो मूव अकाउस्टिक्स के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली. सो ही ऑल्सो एंडोर्सेस अ लॉट ऑफ ब्रांड्स. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज शिल्पा शेट्टी. सो शिल्पा शेट्टी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बॉडी केयर इंटरनेशनल राइट नाउ. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पर वरुण धवन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इमामी नवरत्न कूल, स्किल इंडिया कैंपेन. तो स्किल इंडिया कैंपेन की हमारी अनुष्का शर्मा भी हैं एंड वरुण धवन भी हैं. देन मारुति एंड स्काई बैग्स. तो इन सभी ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं या सपोर्ट करते हैं वरुण धवन. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो आलिया भट्ट. आलिया भट्ट जो हैं वो एंडोर्स करती हैं ऊबर ईट्स, वीको एंड नोकिया. इन तीनों ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो सलमान खान इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी. ओके, देन कमिंग टू अक्षय कुमार. तो अक्षय कुमार इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ GOQII, देन TAFE, जिसका फुल फॉर्म है ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड. तो इसके भी ब्रांड एम्बेसडर जो हैं अक्षय कुमार हैं. देन न्यू इंडिया कॉन्क्लेव सीरीज 2018 के ब्रांड एम्बेसडर भी अक्षय कुमार हैं, एंड ऑल्सो पॉलिसी बाजार को भी एंडोर्स हमारे अक्षय कुमार करते हैं. तो इन सब ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हमारे अक्षय कुमार. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर विच इज Ananya Pandey. So she endorses Fast Track Perfumes, Gillette Venus, Cadbury Perk and the brand Only. Only एक ब्रांड है, ये मत समझिएगा कि यहाँ मैंने Only लिख रखा है. तो Only जो ब्रांड है उसको जो है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है हमारी Ananya Pandey. Coming to the next which is Aamir Khan. तो Aamir Khan is the brand ambassador of Samsung, PhonePe,
दैट्स इन इंडिया, वीवो एंड चाइना हेल्स. तो ओके, वीवो एस सीरीज की ब्रांड एम्बेसडर हमारी सारा अली खान है एंड वीवो के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान है. ओके, तो कई सारे ब्रांड्स में क्या होता है, कुछ कुछ जो ब्रांचेस होती हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें से कुछ कुछ के जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वो अलग होते हैं और जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके अलग होते हैं, तो इसको भी दिमाग में रखिएगा. तो आमिर खान इन सब ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं. अब हम आ जाते हैं अपने क्विज पर, लाइव क्विज पर, जिसका आंसर सब लोग मुझे लाइव चैट में देंगे. जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे. जिसके आंसर्स करेक्ट होंगे उसको मैं लाइव चैट में खुद ही बताऊंगी. इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फास्ट ट्रैक परफ्यूम्स? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सारा अली खान, ऑप्शन बी अनन्या पांडे, ऑप्शन सी कृति सैनन एंड ऑप्शन डी इज अनुष्का शर्मा. तो सभी लोग आंसर करें लाइव चैट में. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड्स दे रही हूँ. ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फोन पे? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए आमिर खान, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी कार्तिक आर्यन एंड ऑप्शन डी इज अक्षय कुमार. सभी लोग आंसर करेंगे लाइव चैट में. और जो लोग लाइव चैट में आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, उनको कंग्रेट्स मैं कहती हूँ, क्योंकि आपकी सच में प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी होने वाली है, क्योंकि ये एक तरह का मॉक टेस्ट ही है आपका. और जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देते हैं उतना ज़्यादा आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. तो कोशिश किया करिए, जो लोग आज लाइव नहीं आए वो आप नेक्स्ट क्लास से लाइव ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं लाइव चैट में सबको बताती हूँ किसके आंसर्स करेक्ट हैं किसके नहीं हैं. ओके, तो सब लोग इसका आंसर भी कर देंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलिया भट्ट एंडोर्सेस विच ऑफ दीज ब्रांड्स? तो इनमें से कौन से ब्रांड को आलिया भट्ट एंडोर्स करती हैं? ऑप्शन ए इज सैमसंग, ऑप्शन बी इज सोनी, ऑप्शन सी इज JBL एंड ऑप्शन डी इज नोकिया. Now coming to the next question, which is flight is endorsed by option A Salman Khan, option B Ranveer Singh, option C Ranbir Kapoor and option D is Kartik Aaryan. Sabhi log answer karenge live chat par. Now coming to the next question, which is who has been appointed as the brand ambassador of Rupa and Company? Option A Alia Bhatt, option B Anushka Sharma, option C is Kareena Kapoor and option D is Kriti Sanon. Now coming to the next question. तो next question है हमारा, Mufti brand is endorsed by option A Akshay Kumar, option B Kartik Aaryan, option C Amitabh Bachchan and option D Virat Kohli. तो इन सभी questions के answers आपको मेरी इसी video में मिल जाएंगे. Now coming to the next question, which is Uber India is endorsed by. So option A is Virat Kohli, option B Alia Bhatt,
ऑप्शन सी रणवीर सिंह एंड ऑप्शन डी इज शिल्पा शेट्टी। Now coming to the next question, which is Kriti Sanon endorses which of these brands? Option A, Femme, option B, Imami, option C, Colgate, and option D is Engage. Now coming to the next question, which is Audi India is endorsed by option A Mahendra Singh Dhoni, option B Virat Kohli, option C Varun Dhawan, and option D is Aamir Khan. और जो भी ब्रांड्स या ब्रांड एम्बेसडर्स पूरे तो इस वीडियो में नहीं हैं, बाकी के मैं आपको पार्ट टू वीडियो में बताऊंगी। बाकी तब तक आप जो ये पूरा पोर्शन है, जो ये पूरी वीडियो में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, उसे अच्छे से उस सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके रखिएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सो द क्वेश्चन इज डैटसन इंडिया इज एंडोर्स्ड बाय, so option A is Aamir Khan, option B Akshay Kumar, option C is Amitabh Bachchan, and option D is Kartik Aaryan. तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप कि आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सबके साथ, जितने ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कर सकें उतने लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ये चैनल भी आगे बढ़ सके। एंड आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेगा, और तभी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला पाऊंगी, तभी एनकरेज हो पाऊंगी। सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक्स आल्सो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जिन लोगों ने लाइव क्विज में अच्छे से आंसर्स दिए उनको वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एंड ऐसे ही लाइव आते रहिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।